अब जो 2024 का चुनाव है कर्नाटक में, एक टिकट दी गई बेंगलुरु सेंट्रल से, जहां से मंसूर अली खान को टिकट दी गई है, कितना उम्मीद है आपको और किस मेहनत की जरूरी है, किस मेहनत की जरूरी है, क्या कहेंगे आप फॉर्म के नाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क को मजहब से नहीं चलता है, मुल्क मोहब्बत से चला करता है। मुल्क के लिए भाईचारगी जरूरी है। जब ये मुल्क गुलाम था तो किसी एक मजहब ने नहीं, बल्कि जितने भी मजाहिब इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, तमाम ने अपनी जानों को कुर्बान करके गोरों के हाथों से इस मुल्क को आज़ाद कराया। मैं सिर्फ बेंगलोर या हमारे मंसूर अली ख़ान साहब बेंगलोर सेंट्रल से खड़े हैं, मैं इन्हीं के लिए नहीं, बल्कि यहाँ से मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के बैनर तले से मैं पूरे मुल्क को ये दावत देना चाहूँगा कि मुल्क के हालात जिस कधार पर आ चुके हैं, सिर्फ मजहब को लेकर लड़ाई झगड़े कराने के बाद जो मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है, इसे हर पार्टी जानती है, हर मजहब के लोग जानते हैं और पहचानते हैं। मैं पूरे मुल्क के तमाम मजाहिब के लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर इस मुल्क में हमें अमनो सलामती चाहिए, अमनो सुकून चाहिए, तो हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ मजहब को न लेकर अपने मुल्क की सलामती के लिए काम करना होगा। हमने हर वक्त अपनी जबान खोलकर बात की है और आज हम भी कहेंगे कि अगर खामोश रहेंगे तो फिर 10 साल नहीं, उसके बाद 20 साल तक भी ये परेशानियां हमें झेलनी होंगी। तो जबान को भी खोलना होगा, मेहनत भी करना होगा, कोशिश भी करनी होगी। जो बरसरे इख्तदार पार्टी है, इसको हटाने के लिए मुल्क के तमाम मजाहिब के लोग एक साथ जमा होकर इस मुल्क को ताकतवर बनाने के लिए तमाम को आगे आना होगा। और बिलखसूस रियासत कर्नाटक में जो अभी कांग्रेस हकूमत है, इस हकूमत की भी जिम्मेदारी है कि जिस आपने जज्बे के साथ, जिस शौक के साथ आपने विधानसभा का यहाँ पर इलेक्शन हुआ, तो उसी जोश और जज्बे के साथ एमपी के इलेक्शन भी होना चाहिए। वोट्स की इसका जो 4 लाख वोट्स के आसपास में आता है माइनॉरिटीज के, लेकिन 50% से भी ज्यादा वोटर घर से बाहर निकल के जाकर वोट नहीं डालते। आप होम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा वोट कितना जरूरी है इस इलेक्शन में हमारे वजूद को बचाने के लिए? क्या मैं उसी सवाल पर आ रहा था कि जिस तरह से काउंसलर की एक जिम्मेदारी होती है, जब वो इलेक्शन लड़ने आते हैं तो पूरे दिन रात एक कर अपने इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसे एमएलए का इलेक्शन आता है तो एमएलए की उनकी पूरी टीम रात दिन काम करके उनको जिताकर उनको यानी दम लेती है। तो इसी तरीके से एक एमपी, इससे मुल्क चलता है, काउंसलर से एक मोहल्ला चलता है, एमएलए से एक इलाका चलता है, लेकिन एमपी की वो सीटें किससे पूरा मुल्क चलता है। तो इसके लिए जरूरी है, मैं कांग्रेस के जितने भी काउंसलर हैं, कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको इस रियासत कर्नाटक में एमपी की जो आप बात कर रहे हैं कि 20 से ज्यादा एमपी यहां पर बनाना है, अगर आपको बनाना है तो जबा खर्च से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। आपने जो एमएलए के इलेक्शन में मेहनतें की हैं, आपको मेहनतें एमपी के इलेक्शन में करना होगी, और जिस इलाके में जिस एमएलए ने जितने वोट लिए हैं उससे कहीं ज्यादा वोट अभी एमपी को अपने इलाके से दिलाना होगा, तभी एमपी कामयाब हो सकते हैं। आज तक रियासत कर्नाटक से हमने एक भी एमपी नहीं दिया है। मैं आप भी यानी सेंट्रल के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक मौका हमको मिला है, इस मौके को किसी भी हाल से जाने ना दें। एक मंसूर खान साहब एक उभरते हुए लीडर हैं, नौजवान हैं, ये जज्बात लेकर यानी काम करेंगे आप हजरात का, और एक बहुत बड़ी सीट एमपी की होती है। तो मैं मंसूर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी मेहनत करें, एक अच्छी टीम को रखें, धोखा देने वाली टीम आपके साथ ना हो, काम करने वाली टीम हो। और तमाम एमएलओ से भी मैं गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरीके से ये सेंट्रल से जो हमारे एक भाई खड़े हुए हैं, इनको कोशिश करके दिन रात हमको इनको जिताना है, कामयाब करना है, और हमको इनको पार्लियामेंट में भेजना। अभी वक्त है, हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अगर मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 20 से ज्यादा जरूर एमपी रियासत कर्नाटक से पार्लियामेंट पहुंचेंगे। ये बताइए सर, आज अमित जान के घर पर आएंगे, पूरा इलाका यानी कि आप घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज अमित जान साहब और हजरत जुल्फिकार साहब को मिलने आए थे, अमित जान साहब की दुआ और उनसे सलाह लेने के लिए आए थे। तो ये सब हमारे बुजुर्ग है और इनका गाइडेंस चाहिए और गाइडेंस लेने के लिए आए थे हम लोग।
तो क्या कहना चाहेंगे सर? यही अब इलेक्शन है, उन सबका ताउन चाहिए और उन सबकी दुआ चाहिए, और बोल सब लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, कई इलेक्शन देखे हैं और उनके एक्सपीरियंस पे काउंट करने के लिए। दुआओं के साथ साथ मौलाना ने वोट की अहमियत पर भी जोर रोशनी डाली। अक्सर ये होता है कि एमएलए इलेक्शन हो या कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, पोलिंग परसेंटेज खासतौर से अपनी तबके का माइनॉरिटीज का पोलिंग परसेंटेज अच्छा बेहतर होता है, लेकिन जहां पर नेशनल इलेक्शन एमपी इलेक्शन में जो पोलिंग परसेंटेज कम हो जाता है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? ये पोलिंग जो होनी है, हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी ज्यादा तादाद पे पोलिंग होनी चाहिए, इसीलिए हम कौम को भी थोड़ा एडुकेट करना चाहिए कि कितनी अहमियत है। आज मुल्क के हालात आप देख लें तो माइनॉरिटी मुस्लिम नुमाइंदा पार्लियामेंट में बहुत ही कम बचे हुए हैं। अगर यही हालात रही, ऐसा वक्त आएगा कि हिंदुस्तान में लोकसभा में कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं होगा, और जहाँ के मुस्लिम तादाद हिंदुस्तान में 17% तक भी है, तो इसीलिए ये बहुत अहम इलेक्शन है। जैसा हजरत बोले, कॉरपोरेटर एक लोकल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे एमएलए काम करता है, और नेशनल लेवल पे एक एमपी काम करता है। और एमपी का काम क्या है? पॉलिसी बनाना, पार्लियामेंट में लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। सो इसीलिए अगर हम लोग जज्बे से आके वोट ना करें तो ये ना सिर्फ हमारे कौम को धक्का पड़ेगा, पूरे मुल्क को भी धक्का पड़ेगा इससे।